नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट आइडियाज और मैं हूं आपके साथ शक्ति मिश्रा। आज के इस एपिसोड में मैं बहुत ही खास बिजनेस लेकर आया हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए में आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अपने घर से, अपने दुकान से, पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरह से आप जो है इस बिजनेस का शुरुआत कर सकते हैं। हमारे साथ हैं एशियन सिमंदर से मनीष जैन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट आइडियाज में। थैंक यू वेरी मच। सो जैसा कि आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा सिमंदर कंपनी के बारे में। सिमंदर कंपनी एकमात्र भारत की कंपनी है जो आज व्यावसायिक रूप से स्टैम्प बनाने की मशीन्स बना रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि हम जो भी मशीन बना रहे हैं, इसमें कोई भी चाइनीज़ आइटम यूज़ नहीं किया, ये पूर्णतः भारतीय निर्मित मशीन है। इस मशीन में मात्र 10 रुपये की लागत में, ओनली एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, यू कैन मैनुफैक्चर दिस स्टैम्प। 10 रुपये में जो ये स्टैम्प तैयार होता है, चाहे आप राउंड सील बनाएं प्रोपराइटर का, पार्टनर का, या किसी भी तरह का जो हमारे को डे टू डे ऑफिसेज में स्टैम्प्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये सभी तरह के स्टैम्प्स आप हमारी मशीन सिमंदर कंपनी की मशीन में मात्र 10 रुपये में बना सकते हैं। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस स्टैम्प मशीन को इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े सेटअप की आवश्यकता नहीं है। एक छोटे सा टेबल स्पेस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे जो भी व्यावसायिक मित्र हैं पूरे भारत में जो हम मशीनें सप्लाई कर रहे हैं, छोटे से टेबल स्पेस में ये मशीन का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, स्टैम्प्स का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है। एक हाउसवाइफ, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ और यहाँ तक कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी ये स्टैम्प्स इस मशीन में बना सकता है। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि बिजली का खर्चा मात्र 40 रुपये महीने का आता है। ये मशीन कम्प्लीटली शॉक प्रूफ होती है। चूँकि हम ये मशीन भारत के बाहर विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये कम्प्लीटली सेफ मशीन है। 40 रुपये के महीने के खर्चे में आप मिनिमम, अगर आपके पास ऑर्डर कम है, तो एक स्टैम्प भी इस मशीन में बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80 स्टैम्प्स भी एक बार में आधे घंटे में आप बना सकते हैं। इसकी प्रोसीजर बहुत इजी है और ये मशीन जब हम सप्लाई करते हैं तो आपके सामने ये क्वेश्चन होगा कि इसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो सिमंदर, एशियन सिमंदर कंपनी इसका संपूर्ण मटेरियल, चाहे वो पॉलीमर जेल हो, सबसेक शीट हो, डेलाइट फिल्म हो, टोटल इस स्टैम्प्स को बनाने के लिए 14 आइटम्स की जो ज़रूरत पड़ती है, वो सारा मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा जो टॉप मॉडल है जिसमें दोनों साइड ही ट्यूबलाइट्स होती हैं, तो इसमें ऑपरेशन करने में झंझट नहीं है। आप बहुत कम समय में बहुत सुविधापूर्ण तरीके से स्टैम्प्स बना सकते हो। इसके अलावा जो मटेरियल की आपको कभी भी भविष्य में आवश्यकता पड़ती है, तो मेरी कंपनी की वेबसाइट पर जाके, मेरे कंपनी पे फ़ोन करके, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कभी भी मटेरियल मंगा सकते हैं। हैंडल से लेके पॉलीमर तक, शीट से लेके फिल्म तक, सारा मटेरियल मशीन एक सिंगल जगह पर आपको मिलेगा। सर, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन का, 10 रुपये में आपने कहा कि प्रोडक्शन हो जाएगा, जी हाँ, और सेल अप्रोक्सीमेट कितने लगभग इसका? 100 रुपये MRP रहता है। अगर आप मार्केट में कोई भी पार्टनर प्रोपराइटर का स्टैम्प देखें, तो अगर हम शहरों की बात करें तो 100, इनफैक्ट जो अर्जेंट ऑर्डर होते हैं वो 150 रुपये तक चार्ज करते हैं। बट आपको आश्चर्य लगेगा कि चाहे आप अर्जेंट स्टैम्प बनाएं, 4 लाइन का स्टैम्प बनाएं, मात्र 10 रुपये में होता है। गांव वगैरह में जरूर ये 80-100 रुपये में बिकता है, पर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट तो 10 रुपये ही रहेगा। 10 गुना मुनाफा? जी हाँ, 10 गुना मुनाफा है। और इस मशीन का कोई मेंटेनेंस नहीं है। कंपनी जब आपको मशीन दे रही है तो ऑन पेपर आपको 1 ईयर की गारंटी और 1 ईयर की वारंटी देती है। सिमंदर कंपनी भारत की एकमात्र कंपनी है जो आपको गारंटी और वारंटी के साथ इतना एक प्रोजेक्ट दे रही है। मैं सिर्फ मशीन नहीं बेचता हूँ, मेरा उद्देश्य है कि मैं व्यक्ति को कंप्लीट पैकेज दूँ, ताकि उसको मशीन भी मिले, मटेरियल भी मिले और ऑनलाइन भी वो ट्यूबलाइट हमसे मशीनें परचेस कर सकता है। अगर उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो वो ट्रेनिंग ले सकता है, फ़ोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर, और व्यक्तिगत रूप से भी आके व्यक्ति यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकता है। हमारी तरफ से ट्रेनिंग फ्री है। मशीन जो है हमारे पास इस समय, ये जो टॉप मॉडल है, ये 16,500 रुपीज़ की कीमत में ये मशीन है, 16,500 का GST गवर्नमेंट टैक्सेस सेपरेटली होते होंगे, वो आप जानते हैं। मशीन के साथ जो मटेरियल की किट आती है उसकी सेपरेट कीमत है, 3,900 रुपये की किट है। लेकिन आपको ये आश्चर्य लगेगा कि जो 3,900 का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बदले में आपको लगभग 20,000 रुपये का आप मुनाफा कमा सकते हैं। 3,900 में हम आपको 150 हैंडल दे रहे हैं, पॉलीमर दे रहे हैं, शीट दे रहे हैं, फिल्म दे रहे हैं, इसके अलावा टोटल 14 आइटम दे रहे हैं। जब आप ये 3,900 रुपये का माल बेचेंगे MRP पे, तो आपको 20 से 22,000 रुपये का मुनाफा होता है। तो यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, मशीन की संपूर्ण लागत एक महीने में वापस हो जाती है। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर और एक लेज़र प्रिंटर का होना आवश्यक है। लेज़र प्रिंटर किसी भी कंपनी का हो सकता है, आपके बजट के हिसाब से आप लेज़र प्रिंटर ले सकते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर नेसेसरी आपको इसमें लगता है। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए,
कंप्यूटर के बारे में जिसके अंदर आप एटलीस्ट टाइपिंग करना और चीज़ों को मोड़ना जानते हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं। आप देखिए, हमने यहाँ पे पहले एक बॉक्स लगाया है, उसके अंदर थैंक्स लिख दिया है, फिर गुड मॉर्निंग, और एक हम पेड स्टैम्प बना रहे हैं। इसी प्रकार से आप प्रोप्राइटर, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आप स्टैम्प बना सकते हैं। सिंपली अब आपको यहाँ से प्रिंट देना है आपके साइज़ के हिसाब का, और प्रिंटआउट जो आपको निकालना है वो निकालना है बटर पेपर के ऊपर। ये ट्रेसिंग पेपर है, बटर पेपर बोलते हैं उसको, वो प्रिंटेड साइज लेना है। जैसे स्टैम्प, जितने भी स्टैम्प है वो सब पास पास में होने चाहिए। जितने पास पास में लेंगे उतना आपका जो खर्चा है वो कम आएगा। ये अपन कांच के ऊपर रखना है सबसे पहले। उसके ऊपर अपन को नेगेटिव बनाने के लिए, ये नेगेटिव रहती है, इसकी एक साइड ग्रीन रहती है, एक साइड वायलेट रहती है, तो ब्लू और हरा कलर रहता है नेगेटिव का। वो जैसी आपकी ट्रेसिंग है वो साइज़ की आप कट करके ले लीजिए। एक रुपये खर्चा आता है नेगेटिव का एक स्टैम्प के लिए। ये ट्रेसिंग रखने के बाद ये हरा कलर है वो नीचे रखना है, और ऊपर साइड नीला कलर रखना है। उसके ऊपर फिर एक ग्लास है, ग्लास रखिए। ग्लास रखने के बाद ये मशीन बंद कर दीजिए। इधर आपको 5 सेकंड लगाना है, और इधर बटन है TB1 और TB2, तो आपको TB2 का बटन ऑन करना है और स्टार्ट करना है। एक बार में कितना स्टैम्प बना सकता है ये मशीन? एक बार में एट ए टाइम सिंगल एग भी बना सकते हैं, एट ए टाइम 75 स्टैम्प बन सकते हैं इस मशीन में। मतलब इसमें जितना भी दिन भर ऑर्डर लिया और शाम को अगर काम किया तो चल, हाँ दिन भर इकट्ठा करके ऑर्डर ले लीजिए, और शाम को आप उसमें एक घंटा भी नहीं, हार्डली 25 मिनट्स में आपके स्टैम्प रेडी हो जाएंगे। 70 एक साथ बनाया जाता है 75। सो ये 5 सेकंड हुआ, हाँ ये 5 सेकंड टाइमिंग हो गया है। उसके बाद एक ग्लास निकालना है, तो ये नेगेटिव एक्सपोज हो गई है, आप देख सकते हैं नेगेटिव एक्सपोज हो गई है, पर उसको डेवलप करना है। तो डेवलप करने के लिए अपन डेवलपर ट्रे अपन ले लेते हैं। तो नेगेटिव डेवलप करनी है, उसके लिए नेगेटिव डेवलपर के लिए ट्रे चाहिए। ये प्लास्टिक ट्रे है, इसका ट्रे का नाम AB ट्रे है और इसका नाम C ट्रे है, ठीक है। तो AB ट्रे में अपन को एक आधा ग्लास पानी लेना है, ये पूरा ग्लास है, तो आधा ग्लास पानी AB में लीजिए और आधा ग्लास पानी C में ले लीजिए। तो ये उसके बाद ये मटेरियल लगेगा, ये सेलोमाइट रॉ मटेरियल है, उसमें से नेगेटिव डेवलप करने का डेवलपर से सेलोमाइट डेवलपर ए, सेलोमाइट डेवलपर B और ये सेलोमाइट डेवलपर C। सो अपन को AB के ट्रे में AB डेवलपर डालना है, C के ट्रे में C डेवलपर डालना है। तो फर्स्ट वो लेना है ये आधा चम्मच और B आधा चम्मच, आधा आधा चम्मच डेवलपर डाल रहे हैं AB ट्रे में, और C डेवलपर आधा चम्मच। अब ये नेगेटिव डेवलपर लिया हुआ है, उसमें आप एक सिंगल स्टैम्प बना सकते हैं और एट ए टाइम 200-300 स्टैम्प बना सकते हैं। एक बार नेगेटिव डेवलप AB डेवलपर ले लिया, उसमें आप 10 मिनट के अंदर जितने नेगेटिव डेवलप करनी है, एक बनानी है या 20 बनाने या 200 बनाने, उतने डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद ये C डेवलपर एक बार लिया ना, आपको कम से कम ये 10 बार भी यूज हो जाता है। अभी आपने देखा ये 5 सेकंड के बाद एक्सपोज मशीन में किया था, अभी उसको डेवलप करना है, तो उसका हरा वाला हिस्सा ऊपर साइड रखना है और उसको डेवलप करना है। ये AB डेवलपर करता है ये है कि अपन के शब्द है, वर्डिंग है, वो वाइट कर देता है और बाकी का बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा इसमें। तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक वो वर्डिंग आपके वाइट हो गए हैं, बैकग्राउंड ब्लैक होने आ गया है। अप्रॉक्स उसमें आप 1 मिनट आपको रखना है। अभी आपने देखा होगा उसमें एक बार आप पलटी कर दीजिए, तो पलटी करने के बाद भी आपका बैकग्राउंड वाइट और बाकी का सब ब्लैक होना चाहिए। देखा है सब आपका वर्डिंग छोड़कर ब्लैक हिस्सा हो गया है। तो ये भी डेवलपर क्या कर लेता है, जो वर्डिंग वाइट कर लेता है बैकग्राउंड ब्लैक कर लेता है। अपन को वाइट बैकग्राउंड वो ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट के लिए ये C डेवलपर का ट्रे लिया हुआ है, वाइट का बैकग्राउंड वो अंदर का ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाएगा। तो अपन का ये C डेवलपर ट्रे में अपन की नेगेटिव
ट्रांसपेरेंट वर्डिंग ट्रांसपेरेंट हो गए, आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो गए एकदम। आपके जो गुड मॉर्निंग वर्ड, थैंक्स वर्ड, डेट है, डेट के अंदर जो डॉट डॉट है पूरा क्लियर नेगेटिव बन गई है। ऊपर ये नेगेटिव के ऊपर पानी है, वो अपन पूरा पानी अब्जॉर्ब करके न्यूज़पेपर से क्लीन कीजिए तो पानी उसके ऊपर का निकल जाएगा। ये नेगेटिव अपन की रेडी हो गई है, ये ट्रेसिंग पेपर के बाद ये नेगेटिव रेडी हो जाती है। विद इन 3 मिनट की ऑल फुल प्रोसीजर है, 3 मिनट में आपकी नेगेटिव रेडी हो जाएंगी। नेगेटिव है, ये नेगेटिव के 2 हिस्से रहते हैं, एक पढ़ने वाला हिस्सा रहता है, वो अपन को सेंटर में कांच के ऊपर रखना है। कांच के ऊपर जितने भी स्टैम्प रहते हैं, जैसे नेगेटिव रहती है स्टैम्प के मशीन के ये सेंटर में, ग्लास के सेंटर में रखना है। उसके बाद एक एप्लीकेटर सॉल्वेंट, सेलोमेट एप्लीकेटर सॉल्वेंट रहता है, उसके ऊपर आपको साइड से लगाना पड़ता है। ट्रांसपेरेंट रहता है, पॉलीथीन बोलते हैं उसको, प्लास्टिक। अपन का जितना भी निगेटिव है वो साइज़ के आपको कट करके लेनी है और उसके ऊपर रखना है। अभी इसमें बबल आया हुआ है, वो बबल पूरे निकालने पड़ेंगे। इसमें बबल नहीं चाहिए, जब जिस जगह बबल रहेगा उस जगह आपका स्टैम्प एक्सपोज नहीं होगा। इसके लिए पूरे बबल एक सादा कपड़े से, कॉटन से, उसको बबल बाहर निकालिए। आप देख रहे हैं आपके इधर कहाँ भी ईयर बबल नहीं है। ये डैम टेप है, वो अपन को जो साइज़ का है उसके साइड में लगाना है, तो वो साइज़ का आप कट करके लीजिए फर्स्ट। और उसके चारों साइड बाउंड्री बना लीजिए, चारों साइड बाउंड्री बनाना है। इसके लिए बाउंड्री टेप बोलते हैं। अच्छा, एक मिनट, चारों साइड आपको थोड़ी जगह रखनी पड़ेगी, बिकॉज का कारण एक्सेस ज़्यादा पॉलीमर जाएगा उसके अंदर तो बाहर निकल सके, इसलिए लेवल आना चाहिए इस टाइम की। इसलिए अपन ने चारों साइड थोड़ी जगह भी रखी है पॉलीमर, एक्सेस पॉलीमर बाहर जाने के लिए। पॉलीमर जेल है, पॉलीमर लिक्विड जेल, लिक्विड जेल जैसा रहता है। ये इतना डालना है, उसके अपन ने बाउंड्री बनाया है, वो बाउंड्री के लेवल चारों साइड उतना जाना चाहिए, वैसा उतना डालना है। बाई चांस आप पॉलीमर डालने के बाद बबल आता है तो ऐसे पिन रहती है टासनी, उससे आप निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं बबल निकल गया है, तो ऐसे बबल नहीं रहना चाहिए, तो चारों साइड आप ध्यान देकर पॉलीमर डालिए। सब्ट्रैक्ट सीट है, इसमें एक खासियत है, इसमें एक साइड आपको रफ है और एक साइड स्मूथ है। आवाज़ आ रहा है, देखें इसमें आवाज़ आ रहा है, इसमें आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि एक साइड स्मूथ है और एक रफ है। रफ हिस्सा नीचे रखना है, जितनी रखनी है वो साइज़ का कटिंग करके, जितनी अपन का नेगेटिव है वही साइज़ का कट करके सब्ट्रैक्ट सीट उसके ऊपर रखना है। खरदोड़ा वाला हिस्सा है वो नीचे साइड करके रखना है। ऐसे रखिए ताकि इसमें भी बबल ईयर नहीं आना चाहिए। एक कवर फाइल है वो रखनी है। अभी ये सेकंड टाइम कवर फाइल रख रहे हैं, ये बार बार ऊपर की कवर फाइल बार बार यूज़ कर सकते हैं, जब तक ख़राब नहीं हो जाता तब तक आप ऊपर वाली कवर फाइल यूज़ कर सकते हैं, तो उसके ऊपर रखना है और उसके ऊपर ग्लास रख देना है, सेकंड वाली ग्लास। तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा एक्सेस ज़्यादा पॉलीमर हुआ है, वो बाहर जा रहा है, उसके प्रेशर से बाहर जा रहा है। तो उसके बाद मशीन को बंद करना है। पहले नेगेटिव के समय TB2 बटन यूज़ किया था, अभी TB1 करना है, फर्स्ट टाइम TB2 भी करना है, फर्स्ट टाइम TB1 अभी चालू किया है। उसमें आप सेकंड 7 सेकंड टाइमिंग देना है, तो 0007 हो गया है, TB1 चालू है, TB2 बंद है और स्टार्ट करना है। हो गया, तो TB1 हो गया, फिर बंद करना है TB1, बस TB2 चालू करना है, फिर 40 टाइमिंग देना है और स्टार्ट करना है। टाइमिंग हो गया, बंद कीजिए, मशीन को ओपन कर दीजिए, मशीन का ऊपर वाला ग्लास निकालिए, साइड में रख सकते हैं आप। उसके बाद दोनों नीचे और ऊपर अपन ने दो कवर फाइल डाला था,
वो पेपर ये निगेटिव है। ये निगेटिव आप अनलिमिटेड टाइम कितने भी बार आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए यही स्टैम्प का ऑर्डर आता है तो आपको कंप्यूटराइज डीटीपी करने की आवश्यकता नहीं है। यही निगेटिव से बार बार कितने भी अनलिमिटेड टाइम्स आप स्टैम्प बना सकते हैं। आप देख रहे हैं स्टैम्प रेडी हो गया है। ये वर्डिंग है, अभी ये पॉलीमर है इसके ऊपर का, इसके ऊपर का जो पॉलीमर बचा है वर्डिंग छोड़कर वो एक्सपोज नहीं होता है, वो आप बार बार ये एक साथ निकाल करके आप सेकंड टाइम भी यूज कर सकते हैं। ये मैटर जो रेडी हुआ है पॉलीमर का, उसको अपन को वॉश करना है पावर वॉश, उसके लिए एक ट्रे लेना पड़ेगा। ये ट्रे लेकर उसमें एक ग्लास पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद तो ये पावर वॉश है उससे क्लीन हो जाता है, पावर वॉश सॉल्वेंट है। ये एक इसका एक चम्मच आप ले सकते हैं लिक्विड, मिक्स कीजिए उसको। उसके बाद ये पॉलीमर का जो मैटर है उसमें अंदर डाल दीजिए। फिर ये ब्रश है, बेस्ट क्वालिटी का है सर। ये ब्रश भी आप देते हो साथ? यस, ये किट आप देते हैं उसमें? उसमें ब्रश भी रहेगा, ये एग्जीक्यूटिव ब्रश है वो भी रहेगा। वो ब्रश से आप प्रॉपरली उसको क्लीन कर दीजिए। इसको और हार्ड होना चाहिए, इसके लिए हार्डनिंग करना है तो नीचे वाले एक ट्रे में ड्रावर में एक हार्डनिंग ट्रे दिया हुआ है, उसको आधा ग्लास पानी ले लीजिए। हार्डनिंग पाउडर है, हार्डनिंग सॉल्वेंट, उसको एक चम्मच लेना है। इसको हार्डनिंग ट्रे में डाल दीजिए और TB2 ऑन कीजिए। TB2 ऑन करना है तो आपको 300 सेकंड टाइमिंग देना है, 300 आपको स्टार्ट करना है। 300 अपन ने सेकंड टाइमिंग दिया था हार्डनिंग के लिए, ताकि जितना ज़्यादा टाइमिंग देंगे तो उतना रबर वो हार्ड हो जाता है तो वो जल्दी टूटता नहीं है। आप 100 सेकंड देने के बावजूद भी हार्डनिंग होता है, बट जितना ज़्यादा देंगे उतना आप का स्टैम हार्ड हो जाएगा और कड़क हो जाएगा, उसकी लाइफ ज़्यादा आएंगी। तो ये रबर आपका शीट रेडी हो गया है, तो आपको कट करना है, आपका जैसे स्टैम है वैसा कट कर दीजिए उसको। साइज वाइज पूरा बाहर वाला जो वर्डिंग का हिस्सा है वो पूरा कट टू कट करके ये रबर कट कर दीजिए। हैंडल है, हैंडल को अपन को पेस्ट करना है, तो ये नाम कौन सा स्टैम्प है वो दिखने के लिए यही ट्रेसिंग पेपर से अपन ने निगेटिव बनाया था, रबर बनाया था, वही ट्रेसिंग पेपर का यूज़ अपन हैंडल को चिपकाने के लिए यूज़ करेंगे। उसको भी आप कट करके ले लीजिए। तो ये डबल साइड टेप है, ये उल्टा करके चिपका दीजिए उसको और कट करके लीजिए साइज वाइज। हैंडल को ऐसे उल्टा कर कीजिए और वो प्रॉपरली सेंटर में चिपका दीजिए, ताकि वो दिखेगा कौन सा स्टैम्प है। उसके बाद ये रबर को भी डबल साइड टेप से चिपकाना है। गमिंग शीट है, गमिंग शीट मतलब दोनों साइड गमिंग है उसको, तो वो भी वो साइज़ का कट करके ले लीजिए। ये डबल साइड टेप से लगा दिया है, उसका ऊपर वाला हिस्सा निकालिए और जैसे कि ट्रेसिंग पेपर के ऊपर हैंडल के ऊपर वो चिपका दीजिए। अपना स्टैम्प रेडी हो गया, स्टैम्प देखिए रेडी, स्टैम्प इज रेडी, पॉलीमर स्टैम्प रेडी हो गया। इसका केवल खर्चा 10 रुपये आता है सर, और बेग ये मार्केट में बिकता है 100 रुपये में, तो आपको एक स्टैम्प में 90 रुपये का प्रॉफिट। ये स्टैम्प बनाया है उस तरीके से आप स्टैम्प बनाएंगे, सेम 100% ये क्वालिटी का स्टैम्प बन पाएगा। ये प्रोसीजर से स्टैम्प बनाओ और बेस्ट क्वालिटी आप स्टैम्प बना पाएंगे।
आज ये जो रबर स्टैम्प बिजनेस है ये इतना रिवोल्यूशनरी हो गया है कि पहले जहाँ पर एक ऑफिस में एक स्टैम्प या दो स्टैम्प लगते थे, आज सब्जी वाले से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी तक हर व्यक्ति को स्टैम्प्स की ज़रूरत है। तो ये बिज़नेस इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि जो व्यक्ति भी स्टैम्प बिजनेस लगाता है या मशीन खरीदने के बाद बिजनेस चालू करता है, तो पहले लोग सोचते थे कि ये साइड बिजनेस है। बट आज मैं बताना चाहूँगा कि मैंने भारत में अभी तक 22,000 मशीनें सप्लाई की हुई हैं एंड 22,000 जो मेरे कस्टमर्स हैं वो सब इसको एज ए मेन लीडिंग बिजनेस कर रहे हैं और महीने का मिनिमम 20,000 रुपये से लेके 3 लाख रुपये 2 लाख रुपये महीने तक इस मशीन को लगाने के बाद लोग कमा रहे हैं। आपके ऊपर है कि आप अपने व्यवसाय को कितना ऊपर ले जाना चाहते हैं, बट ये मात्र छोटा सा इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। 10 रुपये का प्रोडक्ट आराम से कम अगर आप 50 रुपये में बेचते हो तो 5 गुना मुनाफा तो आपको इसमें मिल ही जाता है। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं टेक्निकल नॉलेज की, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए, यानी कि कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करना आना चाहिए। आजकल तो कई सारे सॉफ्टवेयर मोबाइल पे भी आ गए हैं और प्रिंट आउट मोबाइल से भी दिया जा रहा है, तो आप उस तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन ये है जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो का, और एक सही और सच्ची वीडियो हमेशा से जो है मेरा देने का कोशिश रहा है। इसी कोशिश में आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन भी किया है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इनकी मशीन खरीद सकते हैं, चाहे यहाँ आप कॉल कर सकते हैं। अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखें। जय हिंद।